वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है शरीर के टॉप 25 प्रश्न लेके आया हूँ। आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी हो, एसएससी हो, या फिर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी रेलवे, पटवारी, किसी भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको ह्यूमन बॉडी के जो 25 मुख्य तथ्य हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह है कॉर्निया। जी हाँ, कॉर्निया एक ऐसा हमारा अंग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ता है फ्रेंड्स। और जो नेत्र दान किया जाता है उसमें कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का वह कौन सा अंग है जो आग में भी नहीं जलता है? जी हाँ, एक अद्भुत चीज़ है जो आग आग में भी नहीं जलता है, जबकि आग में समस्त चीज़ जलते हैं, तो वह है हमारा नाखून। जो नाखून होता है वह आग में भी नहीं जलता है। नेक्स्ट है, आँख के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? यूँ तो हमारे शरीर के सभी बॉडी पे, सभी पार्ट्स पे रक्त, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, रक्त केशिकाएँ होती हैं, वह पाए जाते हैं। जो सबसे छोटी जो रक्त का वाहिनी होती है उसे रक्त केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, तो वो हर हिस्से में पाया जाता है, किंतु आँख के एक हिस्से में नहीं पाया जाता, वो होता है कॉर्निया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मर्दों का कौन सा अंग रात होते ही बड़ा होने लगता है? जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में तो बहुत ही अटपटा या एंड अलग टाइप से लग रहा है, किंतु यह इसके जो आंसर होते हैं वो बिल्कुल सभ्य होते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चंस पे आप फ्रेंड्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे आता है तो उसका आंसर हमेशा जो होता है वो सभ्य प्रकार का होता है, इसलिए आप कुछ गलत ना सोचें। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है पुतली। जैसे ही हम अंधेला होता है तो हमारी पुतली फैलने लगती है, ताकि हम अंधेरे में अपने जो देखने की कोशिश करते हैं उस समय एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो इसलिए पुतली फैल जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जो रात को सोने के बाद बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है? तो उसके जो आंसर है फ्रेंड्स, यह है पलकें। जब हम सोते हैं फ्रेंड्स तो हमारी पलकें बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है, यकृत का सबसे बड़ा अंग, सॉरी, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है त्वचा। त्वचा जो हमारा है, जो ऐसा एक अंग है जो सबसे बड़ा होता है हमारे शरीर पे। नेक्स्ट है, डर के कारण रोम का खड़ा हो जाना क्या कहलाता है? जैसे ही हम फ्रेंड्स डरते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके के जो डर के कारण रोम का खड़ा होना कहलाता है क्यूटिस एंसेराइना, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का एक ऐसा कौन सा अंग है जो जन्म के बाद बनता है या फिर आता है? बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है फ्रेंड्स, दांत, और आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है, शरीर से अधिकांश हीट लॉस होता है। हीट अर्थात जो गर्मी होती है, गर्मी अर्थात जो ऊष्मा होती है, उसकी हानि सबसे अधिक किसके द्वारा होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, त्वचा, क्योंकि त्वचा ही सबसे हमारा शरीर के बाहरी आवरण है और सबसे बड़ा अंग है। इसी के द्वारा हमारे जो ऊष्मा होती है, इसी का रॉस होती है त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम? यूँ तो हमारे शरीर जो होता है फ्रेंड्स बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना है, कोशिकाएं जो मिलके ऊतक बनाती हैं, ऊतक को टिश्यू कहा जाता है। तो इस तरीके से तो सबसे जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उसे शुक्राणु कहा जाता है, जो सबसे छोटी कोशिकाएं के नाम से जाना जाता है, स्पर्म जिसको कहते हैं, जो 1 ml स्पर्म में, अर्थात 1 ml जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, उसमें करोड़ों की संख्या में शुक्राणु पाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्कस के बौने किस हार्मोन्स की विकृति के कारण होते हैं? तो जो सर्कस में बौने आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो उनमें कौन से हार्मोन्स, जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, जो भी शरीर के विकास का हार्मोन्स होते हैं, उसके लिए कौन से ग्रंथि जिम्मेदार होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के विकृति के कारण ऐसे बौने व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है, शिशु के बाल्यावस्था में सक्रिय हुआ वयस्क में निष्क्रिय होने वाली ग्रंथि का नाम?
अर्थात फ्रेंड्स एक ऐसी ग्रंथि जो बाल्यावस्था में तो सक्रिय रहता है किंतु वृद्ध या फिर वयस्क अवस्था में आते ही वह लुप्त हो जाती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है थाइमस। नेक्स्ट है, एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें ब्रिक अर्थात उसके जो किडनी होती है, किडनी का वजन कितना होता है लगभग। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी 150 ग्राम के लगभग होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन्स ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर के लिए जो हार्मोन्स होते हैं नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी हार्मोन्स की अलग अलग कार्य होती हैं। तो इस प्रकार जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य करता है वह होता है रेनिन, जो फ्रेंड्स दूध के लैक्टिक एसिड को भी पाचन के लिए हमारा रेनिन ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो ब्लड होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दो प्रकार के पाए जाते हैं, दोनों में दोनों उपस्थित होता है, किंतु कुछ ऐसे रक्त समूह हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कुछ ऐसे रक्त समूह हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए बी। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, किंतु इसका जो एंटीबॉडी होता है अल्फा बीटा वो दोनों नहीं पाया जाता है, तो इसका रक्त समूह ए बी होता है। ठीक इसके जस्ट अपोजिट देखा जाएगा तो एंटीबॉडी सभी में वो पाए जाते हैं ए बी को छोड़ के, किंतु एंटीजन सिर्फ ओ ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जिसके कारण वह रक्त समूह ओ में रखा जाता है, किंतु इसमें जो एंटीजन जो ओ में नहीं होता है कोई भी एंटीजन, तो उसमें एंटीबॉडी अल्फा बीटा दोनों होता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे रक्त समूह के ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं अल्फा एंड बीटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रक्त समूह ओ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ये सब क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अर्थात निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह फैलोपियन ट्यूब में होती है। जी हाँ दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में होती है और निषेचन के बाद जो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है वह लगभग 11वें दिन तक विकसित होने लगता है, 11वें दिन में आ जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जो कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में पेशियों की संख्या, अस्थियों की संख्या लगभग जो होती है वह फिक्स रहती है, लगभग क्या 100% फिक्स ही होती है फ्रेंड्स। तो मानव शरीर में कुल जो पेशियों की संख्या होती है वह होती है आंसर नंबर सी 639, और हमारे शरीर में कुल जो हड्डियों की संख्या होती है 206, किंतु जन्म के समय यह 300 होती है, किंतु जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो यह हड्डी एक होते हुए जो दो हड्डी मिलके एक हड्डी बन जाते हैं, इस तरीके से कई हड्डी मिलके एक हड्डी बनते हैं, जिसके कारण कुल हड्डी की संख्या 206 हो जाती है। एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड रक्त नहीं बढ़ता है, अर्थात एक हमारे पास हमारे सभी धमनियों में ऑक्सीजनेटेड अर्थात ऑक्सीजन के जो युक्त रक्त होते हैं वह बहते हैं और पूरे शरीर तक पहुंचाया जाता है, किंतु फ्रेंड्स एक ऐसा भी धमनी होता है जिसमें हमारे में जो धमनी के रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है। तो इस प्रकार के जो धमनी होते हैं उसे हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं, जो दायां आलिंद से लेके दोनों फेफड़ों तक रक्त को पहुँचाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक महिला में आने वाले प्रथम मासिक चक्र कहलाता है। जब मासिक धर्म आता है, जब शुरू के मासिक धर्म को क्या कहलाता है, तो उसे मेनार्क कहते हैं फ्रेंड्स। और महिला का जो मासिक धर्म होता है वो लगभग 14 वर्ष की उम्र पे प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो यह होता है 45 के लगभग उम्र में यह समाप्त होता है, और जो समाप्त होता है इसे मुनि पोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वह कौन सा रोग है जो केवल पुरुषों में होता है महिलाओं में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, एक ऐसी बीमारी होती है जो सिर्फ पुरुषों में होता है ना कि महिलाओं में होती है, महिलाएं सिर्फ कैरियर का कार्य करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है जो फैक्टर 8 की कमी के वजह से आता है, मतलब उसके हीमोफीलिया फैक्टर 8 के कारण होता है, और फ्रेंड्स हीमोफीलिया ए, और हीमोफीलिया जो बी होता है वह फैक्टर 9 के डिफेक्ट के वजह से होता है, और इसके अलावा जो
हीमोफीलिया जो होता है इसमें रक्त का थक्का जल्दी से नहीं जमता, यह इस रोग में इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फ्रेंड्स, किस हार्मोन्स को गर्भावस्था हार्मोन्स कहते हैं? तो गर्भावस्था के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स होता है वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन। इस हार्मोन्स को स्त्रियों का सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, तो यह आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। हृदय का कौन सा भाग फेफड़े तक रक्त पहुंचाता है? जी हाँ दोस्तों, हृदय में हमारे चार चैम्बर होते हैं जिसमें दो आलिंद दो निलय होते हैं और दायां और बायां दो प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से जो आंसर है वह होता है दायां। तो दायां जो हृदय का भाग होता है उसके द्वारा फेफड़े तक रक्त पहुँचाया जाता है। जो दायां आलिंद होता है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज होती है जो दोनों फेफड़ों तक रक्त पहुँचाया जाता है। और जो फेफड़े से होता है फ्रेंड्स, फेफड़े से जो ब्लड आता है वह बायां आलिंद में आता है अर्थात बायां साइड पे आते हैं। नेक्स्ट है, उस रक्त वाहिनी को क्या कहेंगे जो धमनी और सिरा को जोड़ता है? यह दोस्तों हमारे बॉडी में दो प्रकार के रक्त वाहिनियाँ होती हैं जिसको हम धमनी और सिरा कहते हैं। धमनी ऑक्सीजनेटेड जो रक्त, शुद्ध रक्त जिसे हम कहते हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वह हृदय से पूरे शरीर पे फैलाती है, पहुंचाती है। और वहीं जो सिरा होती है फ्रेंड्स वह सारे शरीर से पूरे ब्लड को एकत्रित करके वह हृदय तक पहुंचाती है और वहां से फिर फेफड़े तक जाता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से ऐसे एक साइकिल चलते रहता है। इस साइकिल के दौरान जो सिरा और धमनी होती हैं वह दोनों किसके माध्यम के द्वारा जुड़ती हैं तो उसे ब्लड कैपिलरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे जो बॉडी में होती है वो पसलियों की संख्या कुल 24 होती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से 24 जो पसलियाँ होती हैं जिसमें से 7 जोड़ी को हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं अर्थात सत्य पसलियाँ, और जो 5 होते हैं उसे फॉल्स रिब्स के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें से 2 जो रिब्स होते हैं वो तैरते रहते हैं उसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा A 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर इस प्रकार है, हृदय, अस्थि मज्जा, स्प्लीन और यकृत। तो फ्रेंड्स जो हृदय का ब्लड बैंक, सॉरी शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वह होता है स्प्लीन। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आज 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इसके बारे में और भी डिटेल आपको बता दिया हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको इसको फिर से रीडिंग करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप मेरे वेबसाइट्स पे नोट्स देख सकते हैं। इस तरीके का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस MPW, NM, GNM, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, इसके अलावा ITI, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में उपलब्ध है फ्रेंड्स। आप जाके वहाँ मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, टैक्स में भी देख सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ जाकर आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चंस पेपर आप सभी को मिल जाएंगे वहाँ फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए मैं एक डेमो भी दिखा देता हूँ आपको, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा यहाँ वेबसाइट का लिंक है सरकारीresultfast.com। तो फ्रेंड्स यहाँ ओपन किया हूँ, तो चलिए यहाँ मेनू बार में आप आएंगे। मेनू बार में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, होम फीचर्स में टेस्ट, मॉक टेस्ट, फ्री ऑनलाइन टेस्ट, मेडिकल स्टडी नोट्स, बुक्स, PDF नोट्स, मेडिकल बुक्स, बहुत सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बुक्स के ऊपर आप क्लिक करके देखते हैं, तो हमारे बुक्स के ऑप्शन पे यहाँ कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स कुछ मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ CHO का मॉक टेस्ट यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ CHO का मॉक टेस्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आके आसानी से आप मॉक टेस्ट फ्री में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे यहाँ व्हाट्सएप का भी ग्रुप चैनल दिया हुआ है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आज के वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।